तो जी अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि डेली व्लॉग्स का वादा आपसे पूरा करते हुए हम वापस आ चुके हैं। तो आज जा रहे हैं दो मेन काम करने गाड़ी के। एक गाड़ी के अंदर माशाल्लाह आवाज़ें इतनी साइलेंट है कि इतनी आवाज़ें आती हैं कि हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि डेक गाड़ी में लगा लिया जाए ताकि बाकी आवाज़ें हमारे कान से ख़त्म हो जाएँ। तो उसके लिए हमने किया ये है कि हमारे पास पड़ा था एक अदद ये होंडा सिटी में आने वाला जेन्युइन डेक। ये हमने ग्रिप हमारे पास इसकी नहीं थी, ग्रिप मिल भी नहीं रही सियालकोट से, तो इसकी वायरिंग करवा के प्रॉपर ऑन करवा के इसको तो हमने अपने पास रख लिया है। अब घर जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे उसके साथ। और दूसरा काम जो आज के दिन में हमने करना है कि अलॉय व्हील जो था इसका फिफ्थ टायर जो डिक्की में से निकाला था वो पंचर है, उसको अब देखना जाके कि क्या सीन है, टायर फटा तो नहीं हुआ या फिर वेल्कनाइज होना है या पंचर लगना है। तो वहाँ जाते हैं, टायर निकाल के बंदे को दिखाते हैं, तो जो सीन होता है आगे आपको बताते हैं। तो जी हम आ चुके हैं इधर हाजा साहब रोड टोटल पार्कों के पंप पे। इधर आके टायर चेक कर रहे हैं, हम देखते हैं इसमें पंचर किधर निकल रहा है। टायर को इन्होंने पानी में डुबो दिया, अब ये बबल शबल निकालेगा तो इससे पता चलेगा कि पंचर किधर से है और किधर से नहीं। तो जी मामला ये है कि टायर पंचर कहीं से भी नहीं था, वो रिम जहाँ से टायर को चढ़ता है जिस साइड पर ऑयल लगता है उधर से थोड़ा बहुत गैप है, तो वहाँ ऑयल लग के दोबारा सिर्फ टायर चढ़ना है, बाकी ठीक है मामला। तो हमने वैसे भी एक बार रिम टायर्स को फ्रेश करवाना है, तो फिलहाल हमने उसको ऐसे ही हवा भरवा के रख लिया, हवा टिक भी गई है टायर में तो अभी हमें ज़रूरत महसूस नहीं। डेक हमने रख लिया गाड़ी के पास, स्पीकर हमारे पास घर बेवा पड़े हैं, तो घर जाते हैं तो डेक ऑन करके गाड़ी में तो वो आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि इसमें कैसे हमने ये मामला करना। तो जी घर हम आ चुके थे, डेक हमने गाड़ी में रख दिया, इसको लगा के आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आइडिया था कि आप लोगों को हो जाए किधर लगेगा, ये इसकी जगह होती है डेक की। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी एलसीडी इतनी सी जगह पे कैसे घुसेगी, तो ये जो होंडा का डेक आता है नई सिटीज में जैसे आ रहा था, ये पीछे से एक नॉर्मल जो टेप MP3 पहले आती थी उनकी तरह का होता था, ये यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा। अभी तारों की वजह से जा नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके ये इसके अंदर जाके तो ये यहाँ फिट हो जाएगा, नीचे हमारी स्पेस रह जाएगी फिर भी सामान रखने की। और जब तक हमने गाड़ी के काम वगैरह करवाने हैं तो नॉर्मल डेज में जो थोड़ा बहुत ऐसी म्यूज़िक की ज़रूरत है हमें के काम करते हुए बंदा स्विच ऑन कर ले, मज़ा आता है काम करते हुए, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अभी चलते हैं जाके, हमें चाहिए इसके लिए वायर्स, वो वायर्स लेके आते हैं ताकि हम इस पे से स्पीकर कनेक्ट कर सकें और ये डेक एक्टिव हो जाए। तो आए बाहर चलते हैं और पता करते हैं कि तारे किधर से मिलेंगी। तो जी ये आप सीन मंजर देख सकते हैं, हम दोनों निकल चुके हैं इस टाइम तारों की तलाश में। आसमान वाले तारों की बात नहीं हो रही यहाँ, यहाँ बात हो रही है गाड़ी की मेन डेक की तारों की, मेन पॉजिटिव की और एक अर्थ की जो नेगेटिव की तार होती है वो आपको पता तो है, गाड़ी का सामान पूरा सिर्फ जो मेन तारे डेक ऑन होने के लिए यूज़ होती हैं वो नहीं है। तो हम वो तारे लेने जा रहे हैं, अभी आगे जाते हैं पता करते हैं मिल गई तो ठीक है, वरना फिर हमें दूर जाना पड़ेगा, दूर बहुत दूर। तार हमें मिल चुकी है, अब हम भाई को कहेंगे कि हमें घर सही सलामत सलामती से पहुंचा दें, उस तरह नहीं जिस तरह हम ढूंढने आए थे। चलते हैं घर की तरफ और अगला अपना काम शुरू करते हैं भाई। तो जी काफ़ी हद तक काम वाइंड अप कर चुके हैं हम मौजूद हैं इस टाइम गाड़ी के अंदर, साथ हमारे भाई इलेक्ट्रिशियन कम मैकेनिक कम ड्राइवर कम और गाड़ी के मालिक, बीच में इस तरह की बात कर दो ना तो खुश रहते हैं। हाँ ये कर लो पहले। तो डेक के कनेक्शंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, डेक को ऑन कर दिया हमने, भाई ज़रा ऑन करके दिखाएं दर्शकों को, क्या बात खूबसूरत होंडा का डेक,
इन इटालियन कार, ओ माय गॉड। और ये हमारा कस्टम मेड स्पीकर बॉक्स जो स्पीकर टेस्टिंग के लिए हमने रखा है। तो जी फाइनली फाइनली काम खत्म हो चुका है, डेक गाड़ी में लग गया जैसे तैसे भी करके प्रॉपर फिटिंग में बैठ गया हमारा कंसोल के बिल्कुल साथ नीचे, साथ इसके ऑक्स वायर और फोन अटैच कर लिया। ये हमने स्पीकर का एक बक्स रख लिया है, आने वाले टाइम में मजीद स्पीकर्स जो इसकी जेन्युइन ये जगह है इनमें ऐड कर देंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो व्लॉग आ रहा है वो हमारी ज़रूरत के लिए भी है और एक मेजर व्लॉग है इस गाड़ी का, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगा, इसके बिल्कुल नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। डेली व्लॉगिंग अब इस गाड़ी पे आती रहेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अगले व्लॉग के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज़। So fast yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.